झांसी जिले के ग्राम बमरौली वुमेन पावर लाइन 1090 की जानकारी दी गई, जिसके लिए बमरौली ग्राम प्रधान अरविंद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं को एकत्रित किया गया। साथ ही मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत वुमेन पावर लाइन 1090 के बारे में जानकारी दी गई और महिलाओं को जागरूक किया गया, जिसमें वुमेन पावर लाइन 1090 समाज के सभी सदस्यों को सुरक्षा में भाग लेने के लिए, उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने एवं जागरूक करने के लिए महिलाओं को वुमेन पावर लाइन की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम बमरौली की सैकड़ों महिलाओं को वुमेन पावर लाइन की आई हुई टीम ने जानकारी देते हुए जागरूक किया। सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम एंड जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम भी बढ़ा हुआ है, और उसी को देखते हुए आप उसकी भी सूचना अगर वहाँ पे परेशान करता है, फोन करता है, या आपको कह सकता हूँ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको सड़क पे कोई परेशान कर रहा है, तो आप बिना सोचे समझे, बिना हिचकिचाए आप अपना फोन निकाले और डायल करें 1090 यानी 1090 विदाउट किसी कोड के। बहुत से लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसा तो नहीं इसके साथ कोई कोड लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ मोबाइल निकालना है और ये चार नंबर डायल करने हैं 1090, और 1090 डायल करते ही आपकी कॉल कनेक्ट होती है। लखनऊ में हमारा जो मुख्यालय जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ पे आपकी कॉल कनेक्ट होती है, और वहाँ पे आप ही की तरह महिला पुलिस अधिकारी कॉल अटेंड करती हैं और आपकी समस्या को सुनती हैं, ताकि आप बेझिझक होकर उनको अपनी समस्या बता पाए, और साथ ही साथ उस समस्या पे जब तक कार्रवाई की जाती है, जब तक आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताते हुए चलूं, समस्या का हल भी होता है, और साथ ही साथ हमारी 1090 की टीम आपसे फीडबैक भी लेती है, यानी मैं हिंदी में आपको बता दूं, आपसे पूछती है कि अब तो नहीं परेशान कर रहा, और आपसे कह सकता हूं कि बहुत जगह ऐसा भी होता है जो शिकार होती है उत्पीड़न की, तो कह सकते हैं कि उनका मनोबल इस कदर गिर जाता है, जो भी आप समाज में देखने को मिलता है कि कोई आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो इस तरीके की जो भी वारदात होती है, कहीं ना कहीं वो मनोबल टूटता है उसका, वो ऐसा कदम उठा जाते हैं। तो ऐसे कदम नहीं उठाने हैं आपको, आपको आवाज उठानी है, और इससे फोन करने वाले की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है। हम लोग अक्सर इग्नोर करते थे, यही सोच के कि हम फोन करेंगे, अगर पड़ोस में डेली झगड़े होते हैं हम फोन करेंगे तो कहीं ऐसा ना वो मेरे को परेशान करने लगेगा कि आपने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो अब हम कह सकते हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि किसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी।